इस संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति के बिजनेस और भांति भांति के नेता, मतलब पॉलिटिशियन। अब समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियाँ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर निकालती हैं मार्केट के अंदर। तो ऐसे में तरह तरह कंपनी के बारे में वीडियो बनाता हूँ। वीडियो कनेक्ट करते हुए मैं आपको बता रहा था कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता था, नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इस रेस में अब हमारे जो जियो दंदनादन है वो भी उतरने वाला है, क्योंकि इसको लग रहा है काफ़ी पैसा इसके अंदर, तो वो भी अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जियो कंपनी के इसी प्लान के बारे में, इसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कि क्या क्या मिल सकता है। तो भैया अगर आपको जानना है कि जियो, अंबानी, अडानी, मोदी जी, तो देख लेना वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी को राम राम, कैसे आप लोग। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोई बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे मैं गंगाम करती, कोई डेडिकेशन नहीं किसी को भी लेके। जैसे मैंने आपको बताया कि जियो कंपनी मतलब रिलायंस कंपनी अब इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक के अंदर में उतरने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट इन्होंने पहले ही कर दी थी, जो कि है 2020 के अंदर। अब तक 3 साल बीत चुके हैं लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बहुत से लोगों ने जियो के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बुकिंग भी की थी और कई लोगों को लग रहा है कि सच है या झूठ है या सिर्फ अफवाह है। सच में जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक आने वाली है और इस पर रिसर्च भी चल रही है। तो अगर आप लोगों ने सुनी है तो भी सच है और ये वीडियो देख लो, इसमें मैं वही बता रहा हूँ। मैं ये जो सुपर इलेक्ट्रिक स्कूटर है जियो की तरफ से, एक बार चार्ज होने पे 150 किलोमीटर तक ही नहीं देगा, वो मिनिमम देगा 100 किलोमीटर की, और ये सिर्फ 4 सेकंड में 45 किलोमीटर की टॉप स्पीड में चल सकता है। और इसके अंदर जो स्पेशल क्वालिटी है वो क्लाउड कनेक्टिविटी है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और रियर और फ्रंट में दोनों साइड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा आपको, और इसकी सीट के नीचे स्टोरेज काफ़ी बढ़ा दिया जाएगा, जैसे कि ओला एस1 एयर के अंदर मिलता है, 2 हेलमेट रखने की जगह। और अगर बात की जाए इसके प्राइस की, तो मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस जियो स्कूटर की जो प्राइस है वो 1,50,000 हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जियो की इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी ये दोनों वेरिएंट में मिलेगी, मतलब पेट्रोल में मिलेगी और इलेक्ट्रिक में मिलेगी, मतलब एक तरह से कह लो हाइब्रिड मिलेगी, जैसे कि हमारा वो आता है यामा का फसिनो। तो अब आप लोगों ने ये बात जान ली है तो थोड़ी और सच्चाई जान लो। अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जियो इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑनलाइन बुकिंग और उसकी डेट भी आ रही हैं, और उसके अंदर ये भी, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि भैया इसकी डिलीवरी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग मंथली ई एम आई पे इसे ले भी सकते हो, फटाफट ले लो। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है या बुकिंग हो रही है ये सरासर फेक है। अगर आप लोग ये देख के करा रहे हो तो आप लोगों के पैसे मर जाएंगे पूरी तरह, मतलब ये लुट जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, जो भी आप कह सकते हो, या आप लोग फ्रॉड के शिकार हो जाओगे। अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली नहीं आई है रिलायंस कंपनी की तरफ से कि उन्होंने ये बुकिंग स्टार्ट कर दी या नहीं कर दी। अभी वो फिलहाल सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं और इतनी उम्मीद लगा रहे हैं कि भैया इतनी प्राइस हो सकती है और रेंज इतनी हो सकती है, बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ चालू नहीं किया। इस चीज़ पे लोग काफ़ी फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे कि जामताड़ा का था। और जियो स्कूटर जल्द आने वाला है ये सच बात है, मगर अभी तक बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ये आप लोग पक्की तरह मान लो। तो और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली से चाहिए भी और आपकी कोई क्वेरी भी इसकी रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वरना मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व कर दूँगा। और अगर आप चाहते हो उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दो तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ताकि आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर, मैं वीडियो फॉर्मेट कर दूँ ताकि आप लोग जब मन करे उसे देख सको, अगर उसे थोड़ी श्रद्धा है तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मटेरियल लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिल बाय, टेक केयर।